ये मेकअप मैन का लुक है साहब, तो जिस तरीके से फिल्म में भी ऐसे लुक, हाँ ये फिल्म का ही लुक है, मेरा लुक रियल लाइफ में राजपाल कभी ऐसे नहीं रहते हैं। ये काला इतना काला, मैं हूँ काला लेकिन ठीक है, इतने काले कपड़े कौन नहीं, अंदर से आदमी बहुत गोरा है। इनकी गर्लफ्रेंड भी फिल्म में बहुत गोरी है। हाँ उपासना जी मेरी गर्लफ्रेंड है ये, पहली बार काम करो। सब मिला के बड़ी लाफ राइट एंटरटेनमेंट, एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है, और जिस चीज से प्यार है वही एक्चुअली जो एक आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए आदमी की जो जद्दोजहद चल रही है उसी को लेके फिल्म में फाइट है, और उसमें जो भी अच्छा करने जाओ बुरा हैपन होता है, तो उन्हीं को लेके स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक कहीं पे आपको रोमांटिक कॉमेडी दिखे, कहीं स्लैपस्टिक दिखे, कहीं ब्लैक कॉमेडी, कहीं मैसेज मिलेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म में प्रॉपर जो भी हो, चाहे ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म हो। ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो पूरी है अर्थवत्ता है कि नाम कहानी के हिसाब से उन्होंने जो है नाम चुना है, हमें तो लूट लिया। अभी ये फिल्म की कहानी में सभी लुटेरे पिटेरे सब चले हुए, लुटे ही चल रहे हैं सब बेचारे, सब लूजर्स की कहानी है, तो उसमें ये अच्छा ये है कि कहानी जिस तरीके की डिज़ाइन हुई है उसमें लूटा है, किसी के दिल को लूटा है, किसी के खजाने को लूटा है, किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को सबने कुछ ना कुछ लुटवाया है, और मेन रूप से भाई ने हमारे लुटवाया है सब। आपने, इन्होंने भी मुझे बहुत लूटा है, बोले थे ये फिल्म ऑडिशन के लिए तुमको ले लूँगा, इनका जो कैरेक्टर है राम का, ये मेकअप आर्टिस्ट होते हैं फिल्मों में, बोलते कि तुम्हें ऑडिशन दिला दूंगा, तुम्हें लीड एक्टर बना दूंगा। उसे खुद काम नहीं मिल रहा है, उनको काम क्या दिला देगा, दिया नहीं मुझे अपने कुछ काम। यही एक्चुअली फिल्म का एक बहुत अच्छा USP है जिस देखी जाए तो। बाकी मैं तो मतलब गुंडा हूँ, स्पाइडर दादा हूँ मैं, जो इसने मुझे भी लूटा हुआ है, बोल मेरे से पैसे अटे इसमें, बोल लाखों रुपये लेके जाता है, मुझे टोपी पहना था इसलिए मैं टोपी पहन के आ खड़ा हूँ। जी रोमांटिक सीन्स बहुत है ये फिल्म में, रोमांटिक सीन्स है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी है फिल्म में, लेकिन उसने भी मेरा दिल तो लूटा है, लेकिन जो हीरोइन है, हीरोइन के जो डैड है वो भी सस्पेंस है मूवी में, वो कुछ और ही बन के है फिल्म में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो भी नई एक्ट्रेस है लेकिन इतना कंफर्टेबल फील करवाती सेट्स पे कि जैसे कि उनकी ही बहुत पुरानी फिल्म है। अभी हम लोग जो हैं वो प्री क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, जो कि क्लाइमैक्स के पहले है, और इसके अंदर कैसे हम लोग जो भी मूवी का विलन है उसके पीछे सब लोग भागम दौड़ में लगे हुए हैं। ये हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं फिल्म का, जिसमें कि इसमें सारी फिल्म में मेरा ये लुक नहीं है, इसमें मेरे डिफरेंट गेटअप्स हैं, कई बार मैं साउथ अफ्रीकन वो सब गेटअप में हूँ, मेरा नाम मंडेला है कभी, तो मैं अलग अलग गेटअप्स में हूँ, मैं भेस बदल के, जैसा कि आपने टाइटल आपको पता ही हमें तो लूट लिया, तो मैं लोगों को फंसाती हूँ, उनके पैसे अपनी कंपनी में लगाती हूँ और उनके पैसे लेके भाग जाती हूँ, इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। फनी भी है, नेगेटिव भी है, कुछ मतलब सब तरह की शेड्स हैं इसमें। मैं लूट रहा हूँ। ये फेंग शुई और सिक्स सेंस इसका तगड़ा है कि कब किसको कौन किया जाए, और क्लाइमैक्स चल रहा है तो क्लाइमैक्स में जैसे हड़कंप होता है वैसा हड़कंप चल रहा है। इस प्रकार की ह्यूमरस फिल्म, और इसमें जो साथी कलाकार हैं, राजपाल हैं, संजय मिश्रा है, टीनू साहब हैं, फिर विजय पाटकर हैं, और ऑफ कोर्स उपासना है, और इतने सारे आसपास में सब संजीदा कलाकार हूँ, और स्क्रिप्ट ह्यूमरस हो, मनोरंजनात्मक हो, तो मनोरंजन देने के लिए ही, प्योर मनोरंजन देने के लिए ये फिल्म बन रही है। इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके मुझे बहुत एक्सीलेंट फीलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ लेकिन अच्छे से अपना किरदार निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ।
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.